हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर अरिंदम और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंडिंग टॉपिक इन शटरस्टॉक। शटरस्टॉक में जो जनरली ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वही टॉपिक अक्रॉस ऑल एजेंसीज भी होता है। तो आप अगर कोई भी दूसरी एजेंसी में भी फोटो सबमिट कर रहे हैं तो ये टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक आपके लिए बराबर अप्लीकेबल रहेगा। तो पहले मैं सोचा था कि अक्टूबर का शटरस्टॉक का ट्रेंडिंग लिस्ट बनाए, बट एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है दोस्तों, अभी मतलब 2 महीने के बाद जो ट्रेंड होना होता है अभी आपको उसी हिसाब से फोटो अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए 2 महीने के बाद वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा है, ठीक है, दिवाली है, तो जो लोग दिवाली के बैनर्स एटसेट्रा वैसे बनाएंगे उन लोगों को अभी से मतलब स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक आप अगर इंडियन कंटेंट पे फोकस कर रहे हो तब तो एकदम कोई भी मतलब बिना ब्रेन यूज़ किए आपको पता ही होगा दिवाली दशहरा यही होगा मेन टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक अब से 1 महीना या 2 महीने के बाद, शायद अभी ही वो ट्रेंडिंग टॉपिक ऑलरेडी है। तो अगर आप दुर्गा पूजा एट्सेट्रा दिवाली का टॉपिक 2 महीने पहले अपलोड कर दिए होते तो आपका अभी सेल मिल रहा होगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ओनली क्लाइंट इंडिया में नहीं है, तो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि आपका फोटो कहीं से भी डाउनलोड हो सकता है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी जो शटरस्टॉक शॉर्टलिस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक इन नवंबर दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंजली पिछले महीने में सेप्टेम्बर बनाया था लेकिन अक्टूबर मिस हो गया, जो भी है अभी नवंबर का ट्रेंड लिस्ट हम लोग बोलेंगे। अब पहली बात कि ये ट्रेंड लिस्ट इन लोगों को पता कैसे चलता है, देखिए ये एक स्टैटिस्टिक्स पे मतलब बेस्ड है, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नवंबर में यही टॉपिक मैक्सिमम सर्च होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी यही होगा, लेकिन आप अगर दुनिया के साथ साथ चलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा सेल मिलेगा, आपको कम सेल भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन टू बी सेफ, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, इसीलिए ट्रेंड के साथ चलेंगे तो सेल का चांसेस ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रिक्वेस्टेड इन नवंबर वो है मेक ओवर। मेक ओवर टाइम मतलब हिंदी में हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि सजना ढजना, ठीक है, मेकअप। तो वही मेक ओवर कैन बी एनी टाइप, कोई भी फेशियल कर रहा है या कोई भी फेस पैक लगा रहा है, कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहा है, तो ऑल थिंग मेक ओवर बोलते हैं, कोई ब्राइडल मेक ओवर, सब कुछ बिलोंग्स टू मेक ओवर। तो वैसे टाइप का फोटो आपको अगर आपके पास अगर है तो आप लोग अपलोड कीजिए, अगर नहीं है तो वैसे फ़ोटो खींचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे उन लोग बोल दिया है फाइंड इमेजेस ऑफ पीपल एट सेलोन और बार्बर शॉप, मतलब नाई के वहाँ पे आपको फिर कैमरा लेके घूमना पड़ेगा, किसी का अगर बाल कट रहा हो अच्छे से, कोई भी सेलोन, ऑफकोर्स आपको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी रिलीज, मॉडल रिलीज, सब कुछ देना पड़ेगा, या कोई भी मतलब अपना चेहरा मिरर में देख के सजना है मुझे, सजना के लिए ऐसे पोज में सज ढज रहा है कोई या सज ढज रही है कोई, तो वैसे फ़ोटो आप अगर अपलोड करेंगे तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ सकता है इन नवंबर, ओके। तो ये था फर्स्ट टॉपिक मेक ओवर मेकअप, ओके। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मसाज, मैनिक्योर, मतलब पैर में कुछ हो रहा है या हाथ में नाखून काट रहा है, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी पार्लर, ठीक है, तो वो टॉपिक ट्रेंडिंग है नवंबर में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन, मतलब ये वेबसाइट में क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन मींस कोई भी फोटोशॉप में क्रिएटेड या आपका आर्ट वर्क हो, जो मतलब फोटो नहीं है, डिजिटली क्रिएटेड मीडिया, इसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशन। एक मिनट में माइक सामने आता हूँ। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन का थीम है चेंज, मतलब बदलाव, ओके। तो यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है इन लोग कि बहुत सारा रिलीजन दिए है, बहुत सारा मतलब एथनिसिटी दिया है, मतलब डिफरेंट टाइप का पीपल, तो वो सीजन चेंज भी हो सकता है, देखिए इंक्लूडिंग राइजिंग ओशन लेवल, क्लाइमेट, फॉरेस्ट फायर, एवरीथिंग। तो मतलब कोई भी इलस्ट्रेशन में आप जब बदलाव थीम पे फोकस कर रहे हैं, कोई भी चेंज, ओल्ड एज, न्यू एज हो सकता है, एज एंड सेक्स हो सकता है। देखिए पिछले महीने का थीम था LGBTQ, या मीन लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, वो बहुत हार्ड थीम था, तो मतलब पिछले महीने वो बहुत सर्च हुआ था, लेकिन इस महीने भी वो सर्च होगा, इसलिए इस महीने वो मेजर टॉपिक में नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन में भी आप अगर वैसे टाइप का फोटो दे सकते हैं या मीन इलस्ट्रेशन दे सकते हैं तो भी आपका हाई सेलिंग ट्रेंड में ये वाला रहेगा। स्पेसिफिकली इन लोग क्या बोले हैं, क्लाइमेट चेंज, मतलब सर्दी से गर्मी हो गया, गर्मी से ऑटम हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उसका भी इलस्ट्रेशन डायग्राम फिगर आप बना सकते हैं, ओके। डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, लोग डिफरेंट टाइप के लोग, ओल्ड एज, मतलब एकदम बच्चे से लेके बूढ़े तक, ऐसे एक इलस्ट्रेशन आप बना दिए तो ये चेंज होगा उसमें, ठीक है, तो ये हाई सेलिंग होगा।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोगों में भी सबको हम गिफ्ट देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है ऑफ थैंक्सगिविंग, गिफ्ट आने वाला है, तो इसके लिए कोई भी फोटो राइट जहां पे लग रहा है कि कोई गिफ्ट खोल रहा है क्या, किसी को प्रेजेंट दे रहा है, तो देखिए सीजन ऑफ गिविंग, ओके, कोई भी प्रेजेंट, तो रैप, गिफ्ट रैप, अनरैप कर रहा, कोई बॉक्स खोल रहा है, ऐसे टाइप का फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आने वाला है। देखिए यहाँ पे पीपल ओपनिंग गिफ्ट्स इन फ्रंट ऑफ फैमिली और इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, मतलब कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में आप सोच के देखिए ना, आप अगर कोई भी गिफ्ट खोल रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं या कंप्यूटर में किसी को दिखा रहे हैं, मतलब एक हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, सामने लैपटॉप है, एज इफ हम लोग किसी को दिखा रहे हैं, तो वैसे टाइप का रियल वर्ल्ड। अभी स्टॉक फोटोग्राफी उतना स्टूडियो आर्टिफिशियल नहीं है, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर रियल थिंग, मतलब रियल सीन एड में हम लोग पोस्ट करते हैं, तो वैसे ही रियलिस्टिक जैसे लाइफ में हम लोग करते हैं वैसे ही सोच के आपको करना पड़ेगा। थीम क्या होगा? गिफ्ट अनरैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, और एक जो नेक्स्ट है वो है कि गोइंग वायरल, मतलब कोई भी सेलिब्रिटी हो गया या कोई भी वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन ये थीम मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए आप मतलब ये तो थीम है नहीं, लेकिन मतलब क्या बोला है एग्जैक्टली वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। डोंट हैव द फैंसीस्ट कैमरा इक्विपमेंट, नो प्रॉब्लम, यू आर लुकिंग फॉर कैंडिड ऑथेंटिक फुटेज दैट लुक्स लाइक क्लिप्स यू सी अक्रॉस सोशल मीडिया। मीन्स आपके पास अगर बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बहुत महंगा लेंस नहीं है, तो भी आप कैंडिड मतलब नॉर्मली हम लोग जो करते हैं या सोशल मीडिया में जैसे आप फोटो वीडियोस देखते हैं कोई भी एड में, वैसे टाइप का फोटो वीडियो आप खींचिए और अपलोड कीजिए। कैप्चर पीपल अटेम्प्टिंग इंटरनेट चैलेंजेस सेफली एंड लीगली ऑफकोर्स इंक्लूडिंग सिली डांस मूव, फनी फेसेस एंड मोर। देखिए हम लोग अभी बहुत टिकटॉक का जमाना है या कोई भी कुछ इंटरनेट से देख के कुछ सीख रहा है, मतलब कंप्यूटर पे कुछ है वैसे हम लोग कर रहे हैं, वैसे टाइप का रियलिस्टिक सीनरियो। मैं आपको एग्जांपल एग्जैक्टली नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। शो ऑफ अनयूजुअल टैलेंट और पर्सनल स्किल इन एन एंगेजिंग वे, आपके पास अगर कोई अजीब मतलब टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट जो और किसी के पास है नहीं, वो भी आप वीडियो या फोटो के जरिए अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा अलग नया चीज़ ढूंढ रहे हैं इन स्टॉक फोटोग्राफी। फिल्म वर्टिकली ओरिएंटेड फुटेज ऑफ योर सेल्फ और अदर्स हैविंग फन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब तक शटरस्टॉक या कोई भी वीडियो स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज में हमेशा लैंडस्केप ओरिएंटेड वीडियोज ही रहता था, अभी हम लोग पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, क्योंकि हम लोग मोबाइल मीडिया में हमेशा कंज्यूम करते हैं, है ना, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, तो वर्टिकल वीडियोस का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। ये शटरस्टॉक खुद रिक्वेस्ट किए है कि खुद का फुटेज आप जो भी कर रहे हैं, डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, जो भी, लेकिन वो फुटेज सेल्फी फुटेज होना चाहिए और वर्टिकली, तो वो ट्रेंडिंग में आ सकता है। अब तक वर्टिकल फुटेज रिजेक्ट होता था, लेकिन अगर वीडियोग्राफर लोग आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग न्यूज होगा, क्योंकि ऐसे वर्टिकल फोटोज अभी एक्सेप्ट होंगे एंड नॉट ओनली एक्सेप्टेड होंगे, ये ट्रेंडिंग में भी आने वाला है। तो एक ट्राइपॉड लीजिए, अपना फोन को वर्टिकल मोड में डालिए, खूब सेल्फी बनाइए, वीडियो बनाइए, जो भी कीजिए, बस डोंट मेक इट न्यूड और आई मीन एम्बेरसिंग, ताकि सब लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं, बहुत डिसेंट सा एक वीडियो बनाए, कुछ भी आप बना सकते हो, आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, आप नाच सकते हो, आप गा सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्टॉक वीडियोग्राफी में साउंड नहीं होता है, तो आप अगर बहुत अच्छा गा रहे हैं बस सेम पोज लेके, वो शायद एक्साइटिंग उतना होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यही था चार टॉपिक जो फिर से हम बोल देते हैं, नंबर वन मेक ओवर टाइम, नंबर टू इलस्ट्रेशन डायग्राम ऑफ चेंज बदलाव, नंबर थ्री गिफ्ट रैपिंग, और नंबर फोर आपका खुद का टैलेंट इन सेल्फी वर्टिकल मोड। तो बस, और इंतजार किस बात की, शुरू कर दीजिए खींचना, शुरू कर दीजिए वीडियो क्लिप लेना, कमेंट में बोलिए कि आपके पास अगर ऐसे ही कोई वीडियो क्लिप या फोटो है तो ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं कि नहीं, आपको सेल मिल रहा है कि नहीं। फिलहाल इतना जो टॉपिक है मेरे पास उतना तो नहीं है, मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं डेफिनेटली ऐसे टॉपिक पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और अगर सेल मिला तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वेल, आप लोग अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज का कोड ऑफ द डे है शॉर्ट, SHOT, ठीक है। तो शॉर्ट वर्ड आप कमेंट में टाइप करेंगे तो मुझको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप
शायद मेरे वीडियो बहुत दिन से देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फोटोग्राफर्स एंड कजिन के साथ जिनको स्टॉक फोटोग्राफी पसंद है, ताकि हम लोग सब मिलकर कुछ पैसा कमा पाए। और आप अगर स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज में सबमिट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं साइनअप करने के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।